उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में महिला के साथ पड़ोसी युवक ने छेड़खानी की है। महिला के विरोध करने पर परिवारी जनों को भी दबंगों ने पीटा है। ताजनगरी आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र के गांव वाजिदपुर से एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने है, जब एक पड़ोसी युवक उस महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती करने लगा। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो दबंग के परिवार द्वारा पीड़ित महिला के परिजनों के साथ भी जमकर मारपीट की गई। पीड़ित महिला उसके परिवारी जनों ने जान मान की हानि बताते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला है, छेड़खानी का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? मतलब ऐसे में नहा धो के सो रही थी, नहा धो के सो रही थी तो देवेंद्र आया मेरे कमरे में, तो देवेंद्र ने मतलब गलत जगह पे हाथ डाला था, तो मैं चिल्लाने पर मैंने कुश्त करी थी, मैंने मेरा गला दाब लिया और मतलब दाब लिया। कौन है देवेंद्र? कौन है? श्रवण का मोड़ा। अच्छा, हाँ। आपका पड़ोसी है? पड़ोसी है, चशेश्वर का मोड़ा है। चशेश्वर का मोड़ा है, तो मेरा गला दाब लिया तो मेरी आवाज नहीं निकल रही, तो मैं लाथे देकर के भागी थी। मैंने दौरानी के लिए आवाज लगाई, मैंने की कमलेश, तो मेरी दौरानी जल्दी जल्दी भागी थी कि जीजी क्या हो गया, मैंने ऐसी ऐसी बातें गई। तो मेरे ससुर भी घर पे नहीं थे, मेरे आदमी घर पे नहीं थे, आदमी मेरे चले गए बाजार सौदा लेने के लिए, सौदा लेने के लिए चले गए। ससुर भी मेरे चले गए, पहले पोकर माऊ पहले खेत में मेरा, तो खेत पे चले गए। मेरे ससुर जी आ गए, ससुर जी ने मैंने घरी शिकायत, मैंने ऐसी ऐसी बातें, मैंने की श्रवण का मोड़ा आ गया, अच्छा मेरे घर में घुस कर करके मैंने की जिनने गलत जगह पर हाथ डाला, मेरे चेहरा मुंद लिया, नार पे गले पे मतलब हाथ जमा लिया, तो मेरी आवाज नहीं निकली, मतलब मौका मिल गया, मैं लात दे करके भागी थी। अच्छा, तो मैंने की मैं निकले आई थी, तो मैंने ससुर जी ते कही, ससुर जी मेरे गए उनके घर पे खेने के लिए। अच्छा, हाँ, मेरे ससुर जी उनके घर के कहने पे गए, तो ससुर ने तो बोली के तुम्हारा लड़का मेरी बहू के पास क्यों गया था, तो मेरा ससुर घर में खींच लिया, खींच करके मार लगा करके तो फिर हमने तुम्हारे ससुर भी आ गए थे, मार मुर के तो पीछे चले आए, हमने कुंडी लगा ली झपट सीना, तो कुंडी लगा ली थी, तो हमने कुंडी लगाई तो बिल ने कुंडी ने मतलब किवाड़ तोड़े थे, लाथे मारी, लाठी मारी और पामरे से तोड़ दिए, मतलब किवाड़ तोड़ दिए, किवाड़ तोड़ दिए, हम आकर के अंदर घुस गए, मारे मतलब फिर तो मुंह मारी है, तुम्हारे ससुर मारे है, तो मतलब मार में लग गया ही है। आपने पूरी घटना को पुलिस को बताया? पुलिस के लिए फोन किया, पुलिस तक थाने की तरफ से आई थी, पुलिस से आई थी, तब मेरे आदमी छत पर उतर के आई नीचे, पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई करी थी, मतलब भाई पुलिस ने मतलब दो बालंग कार्रवाई करी, दो बालंग से पार्टी दो चली गई, विजेंद्र श्रवण, तो श्रवण मतलब रात भर रखा है, दूसरे दिन तो छोड़ दिया है इनके घर पे, तुमने माँ डांट डांट के मारा था और मनते में गैरारों ने बचा लिया, तो मैं घर पे आ गया, तो घर पे डांट डांट के मारा हूँ, घर में घुस गए हम, तो घर में जाके किवाड़ तोड़ के जिन्हें मारे हैं, मतलब वो दबंग लोग हैं जो आप? दबंग लोग हैं और सीसीटीवी में नंबर है इसका। उनके नाम क्या है जो दबंग है जो आपसे मारपीट? दबंग श्रवण है। और क्या नाम है? और वो है विजेंद्र, देवेंद्र और जंगा जीतू। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी? आई आई बिल्कुल। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी, फोन करो। हाँ। पुलिस आई तो दुआन ने पकड़ लेगा ये, और हमारा कोई मामला ना सुनाई भाई, और बे छोड़ दे, रात भर राखे हैं और सवेरे छोड़ दे। पुलिस आपके मामले की सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। हम जा चाहते है कि हमारा मतलब कैसे हम करेंगे, रात बिरात मारने की धमकी दे रहे हैं, जो छोड़ेंगे नहीं हमें, हम अपना बचाव चाहते हैं, तो कैसे हम करेंगे, हमारा बचाव है या हम बच जाए। जान की भी हानि हो सकती है? हाँ, जान की हानि हो सकती है हमारे लिए।